हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 13 रीड करेंगे। यहाँ से बच्चों आपका एनुअल वर्क स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चों, इसमें चैप्टर 13 हम रीड करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बातचीत करना, मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना एंड दूसरों की बात को समझना, वो क्या कहलाता है बच्चों? कम्युनिकेशन। ओके, यू गेट इन्विटेशंस एंड लेटर्स बाय पोस्ट और कोरियर। जो आप मतलब आप प्राप्त करते हो इन्विटेशन, आपको कोई भी इन्विटेशन प्राप्त करना है जैसे कुछ भी हुआ, एंड लेटर्स, जो भी लेटर्स प्राप्त करते हो बाय पोस्ट, पोस्ट के जरिए या फिर कोरियर के जरिए तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेक और रिसीव ए फ़ोन कॉल, या फिर रिसीव करते हो फ़ोन कॉल पे, यानी कि फ़ोन पे भी हमें किसी चीज़ की सूचना मिल जाती है। गेट अ न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर से मिलती है। एट द डोर स्टॉप, जो कि हमारे दरवाजे पे आता है। लिसन टू न्यूज़, न्यूज़ को सुनते हैं। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। एंड रेडियो, रेडियो पर। इन्विटेशंस, फ़ोन कॉल्स, न्यूज़, ETC, ये सब हम प्राप्त करते हैं बच्चों। ये कम्युनिकेशन के सब साधन होते हैं। आर मैसेजेस दैट यू रिसीव, जो भी तुम मैसेज किसी भी तरह से ये रिसीव करते हो, यानी कि तुम्हें कहीं जाना है, किसी ने बुलाया है, या फिर मतलब किसी चीज़ की सूचना चाहिए, या न्यूज़ है, या क्रिकेट की जानकारी है, कोई भी मूवी देखनी है, या फिर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हमें किससे मिलती हैं? फ़ोन कॉल से, या फिर न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, इन सब से। ठीक है, यू आल्सो सेंड दैम टू अदर्स, हम इनको क्या करते हैं? दूसरों को भी भेजते हैं। लेटर्स, टेलीफोन्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियोज आर द डिफरेंट मीन्स थ्रू विच, ये जो साधन है, लेटर्स हुआ, टेलीफोन्स हुए, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियोज, जो ये बच्चों मीन्स यानी कि साधन हुए, डिफरेंट अलग अलग साधन हुए, थ्रू विच, जिसके द्वारा यू रिसीव और सेंड मैसेज, तुम कोई भी मैसेज रिसीव करते हो यानी कि प्राप्त करते हो या फिर उसे भेजते हो। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जो मतलब कार्य भेजने की, एंड रिसीविंग मैसेज, मैसेज को रिसीव करने की, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कम्युनिकेशन कहा जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रूरल कम्युनिकेशन। लिसनिंग यानी सुनना, एंड स्पीकिंग मतलब बोलना, आर द मोस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन से मेथड्स हैं, सबसे मतलब ज़्यादा प्रक्रियाएँ हैं ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बच्चों। फिर आगे है, इन अर्लियर टाइम्स, जो मतलब पहले के समय में क्या होता था, पीपल यूज ड्रम्स टू अनाउंस ए मैसेज। जो लोग थे वो यूज़ करते थे ड्रम का, मतलब गली में कुछ बेचने वाला आ रहा है या कुछ भी होता था, वो ड्रम को पीटते थे, ड्रम से आवाज़ करते थे, अनाउंस ए मैसेज, कोई भी मैसेज देने के लिए। और स्मोक टू सिग्नल इट, ठीक है, इसके लिए अलग अलग सिग्नल दिए जाते थे। देन पीपल बिगिन टू यूज़ होमिंग पिजन्स, उसके बाद क्या करा, लोगों ने शुरू किया होमिंग पिजन्स, यानी कि अपने घरों में कबूतर रखने, टू कैरी देयर मैसेज, उनके मैसेज को ले जाने के लिए। दिस वाज कॉल्ड पिजन पोस्ट, उसको क्या कहा जाता था? कबूतर का, कबूतरी पोस्ट, यानी कि पिजन्स पोस्ट कहा जाता था। लेटर, बाद में मैसेजेस वर कैरिड बाय मैन ऑन हॉर्सबैक। क्या हुआ उसके बाद, थोड़ा सा और विकास हुआ जैसे जैसे, तो क्या हुआ, जो लोग थे वो खुद अपने मैसेज को ले जाने लगे। ठीक है, दीज मैथड्स, जो ये मैथड्स था, वर टाइमिंग कंस्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट, जो ये मैथड था बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मान लिया हमें किसी आदमी तक मैसेज पहुँचाना है, तो जो दूसरा आदमी था जिसको मैसेज लेके जाना होता था या अपना मैसेज भिजवाना होता था, वो खुद लेके जाता था, तो जो अदर गाँव में या अदर कंट्री में जाने के लिए बहुत बहुत दिनों तक पैदल चलना था, क्योंकि उस टाइम पे वाहनों का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑफन द मैसेज डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, जो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता था, उसमें बहुत मतलब जाने में भी प्रॉब्लम होती थी। टुडे, आज वी हैव मैनी फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा फास्ट यानी कि बहुत तेज़ी से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, एंड ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और बहुत ज़्यादा ईजी तरीके भी कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहे हैं। ओके बच्चों, फिर आगे है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों? डाक व्यवस्था, इसको हिंदी में कहा जाता है।
लेटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो लेटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स के बहुत सारे टाइप हैं दैट सर्वे डिफरेंट पर्पसेस. जो मतलब प्राप्त होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं. इनलैंड लेटर्स कंटेन इनफ स्पेस. जो इनलैंड लेटर्स होते हैं वो कम स्पेस रखते हैं. पोस्ट कार्ड कंटेन स्मॉल राइटिंग एरिया एंड ए पिक्चर. जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनमें छोटी से हिस्सा होता है लिखने का एंड उसमें पिक्चर्स भी लगी होती है. टूरिस्ट यूज़ दैम. जो टूरिस्ट होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं. पीपल राइट लॉन्ग लेटर्स. जो पीपल होते हैं वो मतलब बड़े जो लेटर लिखते हैं ऑन प्लेन पेपर पर एंड पुट दैम इन ए स्टैम्प्ड एनवलप. इनके एक लिफाफा होता है स्टैम्प लगा हुआ, उसमें डाल देते हैं मतलब लिफाफे चिट्ठी को लिख के. टेलीग्राम इज ए वेरी शॉर्ट लेटर दैट रीच विद इन 24 आवर्स. टेलीग्राम के जरिए उसको भेज दिया जाता है जो कि 24 घंटे में प्राप्त उससे मैसेज को प्राप्त कर लिया जाता है. बट रिसेंटली लेकिन आज के समय में दिस सर्विस इज टर्मिनेटेड. लेकिन आज के समय में ये वाली सर्विस समाप्त हो गई है क्योंकि 24 घंटे तक कौन वेट करेगा. उसके बाद एरोग्राम इज रिटन टू पीपल हु लिव आउटसाइड आवर कंट्री. जो एरोग्राम होता है बच्चों क्या होता है, हवाई पत्र. ये ऐसा पत्र होता है जो लिखा जाता है उन लोगों के द्वारा जो आउटसाइड आवर कंट्री यानी कि जो हमारे देश से बाहर अन्य देशों में रहते हैं. लेटर्स आर रिसीव्ड एंड सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस. जो लेटर्स होते हैं वो रिसीव यानी कि प्राप्त किए जाते हैं एंड सेंट भेजे जाते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए. दे ट्रेवल टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस बाय ट्रेन्स शिप्स एंड एरोप्लेन्स. ये निर्भर करते हैं अलग अलग डिस्टेंसेशन यानी कि गंतव्य यानी कि जाना कहाँ है उस हिसाब से ट्रेन्स के जरिए, शिप यानी जहाज के जरिए, एरोप्लेन्स हवाई जहाज के जरिए. अर्जेंट लेटर्स. जो अर्जेंट लेटर होते हैं सेंट बाय स्पीड पोस्ट और कॉरियर सर्विस. जो अर्जेंट एकदम के तभी के मैसेज होते हैं वो भेजे जाते हैं किससे, स्पीड पोस्ट से और कॉरियर लेटर से. ओके बच्चों, फिर आगे है टेलीफोन. टेलीफोन क्या है, डिस्कस व्हाट इज पिन कोड. पिन कोड क्या है बच्चों, इस बारे में डिस्कस करना है आपको. आगे है टेलीफोन. टेलीफोन क्या है, पीपल यूज टेलीफोन टू टॉक टू अदर. जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं टेलीफोन यानी कि मोबाइल का किस लिए, एक से दूसरे से बात करने के लिए. इट इज़ ए फास्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे ज़्यादा फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कि अगर हमें किसी को अपनी बात बोलनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है बच्चों, टेलीफोन है जिसके जरिए हम तुरंत अपनी बात को अन्य को बता सकते हैं. ओके बच्चों, पीपल टॉक टू अदर पीपल. जो लोग हैं वो एक दूसरे अलग लोगों से बात करते हैं. दैट लिव इन देयर सिटी. जो अपनी कंट्री के अंदर ही अलग सिटी में रहते हैं. दे डायल सब्सक्रिप्शन ट्रंक डायलिंग जिसका आ जाता है एसटीडी कोड यानी कि अलग अलग सिटी का अलग होता है. अलोंग विद टेलीफोन नंबर टू टॉक टू पीपल हु लिव इन अनदर सिटी इन देयर कंट्री. जो उसी कंट्री के अलग सिटी में रहते हैं उनके लिए एसटीडी कोड जो होता है वो डायल करके वहाँ पर बात की जाती है. पीपल डायल इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन डायलिंग यानी कि ISD कोड अलोंग विद टेलीफोन नंबर टू टॉक टू पीपल हु लिव इन अनदर कंट्री. जो अलग देश में रहते हैं उनसे बात करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, ISD कोड नंबर का यूज़ किया जाता है. ओके, फिर आगे है मोबाइल फ़ोन आर और सेल्युलर फ़ोन इज कॉमनली यूज्ड नाउडेज. आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन. ए मोबाइल फ़ोन नंबर हैज़ 10 डिजिट. जो मोबाइल नंबर होता है उसमें कितनी डिजिट होती है बच्चों, 10 डिजिट. ये तो आपके घर में भी है. उसमें है BSNL है, एयरटेल है, एयरसेल, आइडिया एंड वोडाफोन आर द पॉपुलर टेलीफोन सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया. ये भारत की मुख्य सर्विसेज हैं. ओके बच्चों, फिर है फैक्स. फैक्स क्या है बच्चों, एक मशीन है ये भी. फैक्स शॉर्ट फॉर फैक्सिलाइज़माइल इज यूज्ड टू सेंड ए रिटन मैसेज. इसका यूज़ किया जाता है एक रिटन मैसेज और ए फोटोग्राफ भेजने के लिए इंस्टेंटली तुरंत ही. यू रिक्वायर ए फैक्स नंबर. इसमें फैक्स नंबर डाला जाता है टू सेंड ए फैक्स. फैक्स पर इट इज़ सेंड थ्रू ए फैक्स मशीन. ये किसके जरिए भेजा जाता है, फैक्स मशीन के द्वारा भेजा जाता है. ओके बच्चों, फिर आगे इसमें कंप्यूटर.
कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कंप्यूटर है वो लेटेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जाना जाना एंड मोस्ट एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी कॉमनली यूज़ टू फैसिलिटीज़, हम इसमें दो कॉमनली यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़, वो कौन कौन सी हैं? ईमेल एंड इंटरनेट। ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे ईमेल के ज़रिए एंड इंटरनेट के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लेटर, जो ईमेल होता है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है। दैट टेक्स जस्ट अ फ्यू सेकेंड, जो लेता है ओनली कुछ सेकेंड ही टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि कितनी भी दूर कोई भी हो अपने मतलब जाने के लिए कोई भी मैसेज हम भेज रहे हैं तो वो कुछ ही सेकेंड मतलब कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाता है। वी नीड एन ईमेल एड्रेस, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की? एक ईमेल एड्रेस की। टू राइट एन ईमेल, एक ईमेल को लिखने के लिए। वी नीड द रिस्पॉन्स ईमेल एड्रेस टू सेंड द ईमेल, ईमेल को भेजने के लिए हम उसे मतलब जहाँ पे हमें भेजना है उसको भी उसके भी एड्रेस की हमें ज़रूरत होती है। द इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, जो इंटरनेट है उसका यूज़ किया जाता है, जो उसका यूज़ जो लोग करते हैं गेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कोई भी जानकारी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर हम इंटरनेट के ज़रिए कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग, क्या कहलाता है वो? ब्राउजिंग कहलाता है। न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड टेलीफोन्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन यानी कि बड़े क्षेत्र में बात करने के लिए, बड़े क्षेत्र में कोई सूचना देने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? बच्चों न्यूज़पेपर का। अगर हमें मतलब कोई सूचना पूरे देश में देनी है तो हम सबको फ़ोन थोड़े ना करेंगे, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर सब जगह पहुँचता है। रेडियो का, रेडियो के जरिए भी बातें सुनी जा सकती हैं। टेलीफोन्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, दे आर यूज टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के से बात हम इसमें कर सकते हैं। ओके बच्चों, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स आर शीट्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो एक शीट होती है प्रिंटेड पेपर्स की। दैट कंटेन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें छपी होती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों की खबरें। दे कंटेन एडवर्टाइजमेंट एंड वेरियस फीचर्स, वे बहुत सारे उसमें ऐड भी दिए जाते हैं अलग अलग तरह के, कोई भी प्रोडक्ट आया उसके एंड वेरियस फीचर्स लाइक फैशन, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, जैसे फैशन की हुई, टूरिस्ट यानी यात्रियों की हुई, स्पोर्ट्स न्यूज़, खेल की जो खबरें हुई वो ETC। न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग भाषाओं में होते हैं, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अलग अलग भाषाओं में होते हैं। उसके बाद है रेडियो। रेडियो इज ब्रॉडकास्ट ऑन द न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, जो न्यूज़ है वो प्रसारण होता है रेडियो में, रेडियो में यानी कि बहुत सारी न्यूज़ हमें प्राप्त होते हैं। पीपल आल्सो लिसन टू क्रिकेट कॉमेंट्री, जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं क्रिकेट को किससे? रेडियो पर एंड सॉन्ग्स को ETC। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ऑन द रेडियो। टुडे मैनी पीपल हैव अ रेडियो, आज के समय में बहुत सारे लोग रेडियो रखते हैं इन देयर मोबाइल फोन्स एंड कार्स, ठीक है, अपने कार्स में मतलब लेके चलते हैं साथ में। फिर आगे है बच्चों टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? न्यूज़ इज़ टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न, मतलब न्यूज़ का भंडार है किस पर? टेलीविज़न पर। पीपल आल्सो वॉच क्रिकेट मैचेस, जो क्रिकेट मैच होते हैं क्रिकेट देखते हैं जो लोग हैं टेलीविज़न पर, सीरियल्स देखते हैं, नाटक देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं बच्चे, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं एंड मूवीज़ ऑन टेलीविज़न, ये सब चीज़ें हमें टेलीविज़न पर देखने को मिलती हैं। एडवर्टाइजमेंट आर शोन ऑन टेलीविज़न, यानी कि अलग अलग हमें ऐड दिखाई देते हैं उस पर। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बहुत सारे शिक्षा के प्रोग्राम हैं लाइक क्विज आर आल्सो शो, ये भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। टेलीविज़न सिग्नल्स कम्स फ्रॉम केबल और डिश एंटीना, जिसको बोला जाता है जो टेलीविज़न पर प्रोग्राम आते हैं वो सिग्नल से आते हैं एंड केबल से रहते हैं, केबल डाला जाता है, लगाया जाता है एंड डिश एंटीना और एंटीना भी लगाया जाता है। नाउअडेज, आज के दिनों में पीपल गेट डिश एंटीना इंस्टॉलिड ऑन ए रूफ टॉप्स टू कैच टेलीविज़न सिग्नल्स फ्रॉम ए सैटेलाइट, सैटेलाइट के जरिए इनके ऊपर छत पर टैप रूट पर लगाया जाता है, जिसके ज़रिए हमें क्या मिलती है? न्यूज़ तरह तरह की मिलती है, टेलीविज़न पर शो होती है। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।